the privilege and honor it is to return to excellent workshops. This is for the sixth time that we are organizing this workshop. I don't know how many of you would know this. When it started in a very small room in Chaklala Scheme Street, I believe. Now, mashallah, you are sitting in a beautiful place to run this same workshop. How many of you are here? How many? What is the total number? 46. I think we started about 20 odd. Less than 18. More than double the number now. Right. Okay. So who's the youngest in this project? How old are you two? 10. You're 10. And? I'm 10. You're also 10. You're twins. Oh, good. 10 twins. 10-year-old twins, good God. And you're not sitting together. Beech mein zalim samaj hai aapke. And who's the oldest? I'm the oldest obviously, but I'm not attending the workshop. Who's the oldest among the participants? Ab ye to koi nahi manega. Oldest. चलिए लड़कियों को निकाल के, लड़कियां तो oldest हो नहीं सकती, तो बात ही खत्म हो गई। फिर कौन? हाँ? लड़कियां हैं ही तीन। लड़कियां हैं ही नहीं हैं, तो ये कौन है ये जिधर बैठ? लड़कियां सिर्फ तीन हैं। अगर तीन लड़कियां हो तो काफी नहीं होती? हैं? तीन लड़कियों को आपने गिना ही नहीं है वो कहते कितनी हों तो फिर होती हैं 50 होनी चाहिए 20 लोगों के लिए सही मुसलमान हो गए ओके अन्ना द आइडिया व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक विद यू अबाउट एनीथिंग अच्छा इंक्वायरी इसको हम आपको एक और सूरत का तर्जुमा दिखाते हैं कुरान का और फिर आपसे एक क्विज करेंगे कि ये सूरत कौन सी है जरा आप इसको पढ़िए और फिर बताइए मुझे कि ये कौन सी सूरत का तर्जुमा आप किसी किसको आती है सूरत बताइए अच्छा अब देखिए ये जो तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है ये आपको इसलिए दिखाया है कि क्रिएटिव थिंकिंग जिसके बारे में आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं यू आर लर्निंग क्रिएटिव स्किल इसमें कुछ रेकमेंडेशंस हैं लिखी हुई कि आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हुए कौन से प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अगर शामिल कर लें then your creativity and your capacity to invent will get enhanced और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी creative thinking अगर आपने इन principles पर गौर किया और इनको अपनी जिंदगी में डाला इन principles में कौन से principles आपको लगते हैं कि ये creative thinking में ज़रूर help करें truth being honest लिखा है being honest Truth लिखा being honest नहीं लिखा truth लिखा है लेकिन being honest नहीं लिखा but it's the same thing हाँ no being honest is not cheating anyone being honest is different than being truthful okay, what is the difference being honest is how is it different from being truthful for not cheating anyone हाँ for not cheating anyone do not cheating. No cheating. Yes. That's right. Very good. Even in games. Even in the game you don't cheat. Faith. 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 Faith एक बहुत बड़ी strength है अगर When you have faith. When you have faith. You have faith in God. And सबसे पहले you have confidence in yourself. जब आपने
तो इन्होंने कहा कि अगर फेथ हो तो फिर फेथ से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक एतबार और एतमाद आता है, और उस एतबार और एतमाद की वजह से आप बहुत स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, इनर स्ट्रेंथ की फीलिंग होती है इंसान को, और उसकी वजह से फिर आप इन्वेंशन में और क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते जाते हो। एक और चीज़ मैं इनकी बात में ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि अगर फेथ हो तो कॉन्फिडेंस के अलावा इंसान जो है वो फेलियर्स को बहुत अच्छा हैंडल करता है। अब देखिए कि जब भी हमें कोई फेलियर होता है लाइफ में, कोई फेलियर, तो हमारे बड़े और जो लोग हमसे ज़्यादा अकलमंद होते हैं वो हमें क्या कहते हैं? अगर आप फेल हो जाए, कोई चीज़ हासिल न कर सकें जैसे आप चाहते थे, तो क्या कहते हैं बड़े हमें? अच्छा, एक तो ये कहते हैं कि तुम नलायक हो, लेकिन अगर आपको हौसला देना चाहते हो तो क्या कहते हैं? कभी किसी ने ये सुना है कि अगर उसका कोई काम जो वो चाहता है जैसे हो वैसे ना हो तो उसके बड़े उसे कहते हैं कि इससे तुम्हारी कुछ बेहतरी हुआ, कहते हैं ना, हालांकि आपका काम नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, तो फिर आपसे ये कहा जाता है कि इसमें आपकी कोई बेहतरी हो। दिस इज फेथ, कि अगर आप अटेम्प्ट करें पूरी ताकत से और वो रिजल्ट्स हासिल ना कर सकें जो आपके ख्याल में आपको हासिल कर लेने चाहिए थे, तो फिर घबरा नहीं जाना, क्योंकि जो रिजल्ट नहीं हासिल हुआ इस वक्त शायद उसकी टाइमिंग सही नहीं थी, और अगर आपने परसीवेयर किया और वो बाकी काम किए जो आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी आप सही तरीके से काम करते रहे। एक तो ये भी फेथ रखिए कि अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो काम गलत तरीके से कर दिया हो, हो सकता है उसका मेथड, उसका फॉर्मूला, उसमें जो एल्जेब्रा चाहिए, उसके अंदर जो फिजिक्स के लॉ चाहिए, मैंने गलत अप्लाई कर दिए, इसलिए गड़बड़ हो गई, तो मुझे उसको सही करना है, और इस दफा जब मैं सही तरीके से करूंगा, सही फॉर्मूला लगाऊंगा, सही फिजिक्स के लॉ अप्लाई करूंगा, सही मैथ्स करूंगा, सही कैलकुलेशंस करूंगा, तो फिर राइटियस डीड हो जाएगा ना वो। अगर ये दोनों काम किए तो फिर सिर्फ इतना करना होगा किसी और के साथ कंसल्ट करूंगा, देख रहे हैं इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। तो ये जो आपको वर्कशॉप हो रही है इसमें सब आप लोग मिलकर कर रहे हैं ना काम, अगर अकेले अकेले करते तो क्या होता? क्या होता? आइडियाज नहीं मिलते, वेरी गुड, और सोल्यूशंस भी नहीं मिलते। अभी होता है कि भाई मैं और आप चार लोग मिलके काम कर रहे हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। आपने देखा अभी जब हम स्लाइड्स लोड कर रहे थे तो मुझसे स्लाइड लोड नहीं हो रही थी, तो हमने साथ वी जॉइंट टुगेदर, हम इकट्ठे हो गए सारे मिलके और हमने स्लाइड लोड कर ली, बिकॉज समबडी केम आउट विद अ बेटर आइडिया, और उन्होंने अपने बेटर आइडिया के साथ, सिंस वी हैड जॉइंट टुगेदर वी वर एबल टू पुट दिस शो ऑन पॉइंट। यही आप लोग भी करते हैं कि एक चीज आपसे नहीं हो रही होती लेकिन जो साथी है वो उसमें हेल्प कर देता है, तो ये फिर जिंदगी में एक मैसेज हुआ कि एक तो अगर गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ मेथड में गड़बड़ थी, अगर मेथड ठीक कर लिया तो सही हो जाएगा, और दूसरा ये कि जब आप फिर सही कर रहे हो तो कोशिश करें कि और भी लोग आपके साथ शामिल हों, इट मस्ट वर्क एज अ टीम रादर देन इन आइसोलेशन अलोन, एंड व्हेन यू विल वर्क एज अ टीम व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड हैव टू डू? क्या लिखा हुआ है इसमें? इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे मिलकर काम करें तो फिर क्या करने की जरूरत है? ट्रूथ, पेशेंस एंड रिवर्ट। ट्रूथ, सबसे पहले एक दूसरे से सच बोलने की जरूरत है। अगर कोई पूछे कि ये ग्लास किससे टूटा है तो उसको खड़ा होकर कहना है मुझसे टूटा है। ये जो गलत मैंने प्लेस कर दिए नोट्स एक दूसरे के साथ, ये किसने किए जिसकी वजह से स्पार्क हुआ है, ये नहीं कहना इसने किए इसने, जबकि खुद किया हो आपने, कहना मैंने किए। तो जो साइंटिस्ट होता है, जो क्रिएटिव माइंड होता है, वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सच बोलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर कोई गलती हो गई है मैंने की, अगर उसने की हो, किसी और के ऊपर नहीं डालता हूँ, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, वो जो जिस किसी और ने किए वो भी तो आपका साथी है, वो भी एक्सीलेंट वर्कशॉप अटेंड करा है, वो भी ये सूरत का मानने वाला है,
ठीक है ना, इसलिए हम उसके बारे में परेशान नहीं होंगे। और आखिरी बात क्या लिखी हुई है, पर्सिवरेंस, इसकी क्या रेलेवेंस है आपके काम से और क्रिएटिविटी? आप लोग बहुत चुप बैठे हैं, नाराज तो नहीं? इससे जरा पूछ लें, अगर आप इजाजत दें। जी ये भी है, और कुछ? और these girls sitting here, only three girls हैं, इनसे पूछते हैं, इसने क्या मतलब है patience and perseverance का? नहीं पर क्या उसमें करना क्या होगा, क्या करेंगे जिससे patience and perseverance होगा? Something wrong, we have to guide, we have to guide ourselves and guide the other, but अगर आप कोई काम कर रहे हो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके फौरन रिजल्ट्स आ जाए, वी माइट हैव टू वेट फॉर समथिंग, एकदम से नहीं होता कुछ। और अक्सर चीजें उस वक्त होती हैं जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप, जब आपको लगता है यार क्या मुसीबत है, नहीं हो रहा है, इतनी दफा ट्राई किया बस मैं और नहीं करने वाला, बस ये वो टाइम होता है जहाँ थोड़ा सा और रुक जाए और थोड़ा सा और परसीवियर कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा। ये एक रिकमेंडेशन है आपके लिए, आपके लिए कि अगर आप ऐसा कर लें कि परसीवियर कर लें, वो जो एकदम हार मानने वाली कैफियत होती है वो साइंटिस्ट क्या नहीं होती, तो गिव अप नहीं करता इजीली, लगा रहता है। आपने कभी देखा है कि जो नेचर की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है वो चींटी है, doesn't give up, just keep going, retrying, this is what it is. So if you want to create something in life and if you want to prove yourself to be a creative thinker and an innovator and somebody who can achieve excellence by attending this workshop, he or she has to persevere. लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, ठीक है, और मुन्नी भाई बहन भी लगी रहे, पीछे नहीं हटना है आपने, और जब आप लगे रहेंगे तो फिर आपको बहुत मजा आएगा और फिर आप जीत जाएंगे और वो इन्वेंशन हो जाएगी जो आप करना चाहते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, बिफोर आई टॉक अबाउट क्रिएटिविटी व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक इज क्रिएटिविटी? अभी भाई ने बहुत खूबसूरत इसकी डेफिनेशन दी थी, वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दैट वी गेट फ्रॉम अस अबाउट क्रिएटिविटी, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन क्रिएटिविटी? आप लोग भी पार्टिसिपेट करें ना, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद यू, क्या होती है आपकी ख्याल में क्रिएटिविटी, लेट्स हियर योर व्यूज ऑन दिस। ये थॉट्स को किसी मतलब की इन्वेंशन में इस्तेमाल करने की क्रिएटिविटी कहते हैं, अपनी थॉट्स को किसी इन्वेंशन में इस्तेमाल, गुड, to come up with ideas that no one has thought of yet. You're not participants. You're participants? He's a participant. To come up with a solution to a problem. Come up with a solution to a problem which nobody has solved so far. So if you're going to solve that problem which nobody has solved before, it will be a creative way of looking at that problem and sorting it out. Now, just compare your ideas about this definition. Make sense? Simple? Anything new that you can come up, anything new, which has not been done so far, is clear. Now, how many of you has already done that? You have done it? Okay, tell us what new thing they have done, which had never been done before. Tell us what. It's a parrot doorbell. Parrot doorbell. Parrot? Doorbell. Tell us what. Well, it just kind of joke. I got it
पैरेट को एक इलेक्ट्रिक शॉक डोरबेल पर लग दें और इसे पैरेट पैरेट को पुश करें, पैरेट खुद खुद कैंक कैंक करेगा। आपने कनेक्शन बनाया है डोरबेल का पैरेट के साथ, इधर से डोरबेल बजाई, उसकी तार जो है वो गई पैरेट तक। ये असली वाला पैरेट है या नकली वाला है? असली वाला पैरेट है, उसको ये डोरबेल का कनेक्शन किया और फिर पैरेट ने बोलना शुरू किया, भाई कोई आया है, भाई कोई आया है, भाई कोई आया है, इस तरह। ये कह रही है हाँ, अगर उसको बोलना नहीं आता तो फिर वो टैन 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 करना शुरू कर देगा। ये वेरी नाइस, हैव यू डन इट? नो, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। यू आर गोइंग टू ट्राई, बट दिस इज अ न्यू वे। Has anybody ever thought about this? A pet in the home who can then tell everybody that somebody is outside. इसमें मुझे फिकर सिर्फ ये है कि थोड़े दिनों के बाद वो जो पैरेट है वो कहीं फ्राई ना हो जाए, बारबेक्यू पैरेट। नहीं, पर आप श्योर आप उसके मेथड बनाएंगे कि वो बारबेक्यू ना बने उसका, है ना? आपके मेथड बनाएंगे। तो पैरेट जो है वो कभी वैसे ही करेगा तो सारा लोग दरवाजे की तरफ भागते जाएंगे। देखिए, ये हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं ताकि जब आप फाइनली बेल बनाएं तो वो सारी चीजों को कैटर फोर कर दी। अब ये चूंकि शेयर किया आपने, जो आपने बात की, जब आपने आइडिया को शेयर किया तो आपको नया आइडिया मिल रहा है ना। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। जब कोई चीज नई आपने ईजाद कर दी, लाइक दिस डोर बेल, पैरेट डोर बेल, this is a new idea, but if you will now have more people coming into it, then wonderful new things will happen. Okay. That creativity is an attitude. एटीट्यूड है, यानी हर वक्त आप क्रिएटिव हो सकते हैं, हर वक्त क्रिएटिव हो सकते हैं। आप एक मुख्तलिफ तरीके से खाना खा सकते हैं, ये मतलब नहीं कि नाक से खाना खाने की, मुंह से कुछ नई टेक्निक निकाली। अब देखिए, आपने कभी वो स्टिक्स से खाना खाया है, वो चाइनीज एक एक चावल जो मुंह में फेंकते हैं, डिफरेंट वे। हम लोग तो स्पून से या हाथों से खाते हैं ना, तो वो स्टिक से नूडल्स उसके ऊपर रैप करके खा रहे। नूडल्स को खाने के कोई इन्वेंटिव तरीके हो सकते हैं, एक टूल हो सकता है जिससे कि नूडल्स फौरन टूट जाए और सीधी मुंह में लंबी लंबी होकर नहीं जाए, छोटी सी होकर चली जाए, थक वही प्लेट से। सो दीज आर ऑल आइडिया, बट दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन विद अ पर्सन हु हैज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स डूइंग क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल प्लीज रेज हैंड्स who actually fulfill this criteria already, that they have invented something new? Haath khada kare, ek to hume bata diya, baaki log haath khada kare. Aapke liye kya? I think of it, but not many. But you have thought of it. Good. How many others have thought about a new thing? 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 42, 7 out of 46 is up. What is the percentage? About 15-16%. अच्छा, मेरा ये ख्याल है, आप मुझसे जरा बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कि ये काम ऑलरेडी आप कई सौ दफा कर चुके हैं क्रिएटिव थिंकिंग का, सब 100% तो कैसे? I'm a psychiatrist, I'm telling you, you have all done it. And you have done it hundreds of times. You invented new things, new ideas that nobody had heard of before.
आपने झूठ कभी नहीं बोला। बोला है ना, आप से बैठे हैं यार, अबू थोड़े हैं आप, बोला है ना, और प्रीतला बोल रहे तो वो क्या है? Invent? You invented a story? मम्मी को कह रहे हैं यार अच्छा आगे हो। ये भी होता है, हमें वो हमारे हम ना आज असल में आफ्टर स्कूल एक स्कॉलर आए हुए थे, मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया कि मैं उसका इंटरव्यू कर, तो मैं 3 घंटे तक इंटरव्यू करता रहा, असल में फुटबॉल खेलते थे। ये जो एक नया आइडिया आपको दिमाग में आया, एक स्कॉलर आया बाहर से, आपने उसको इंटरव्यू किया, अब अगर उन्हें पूछने की बेटा इंटरव्यू में क्या सवाल किए थे तो ये भी तैयार है, मैंने ये सवाल किया ये सब कहानी। So that is that each one of you has the capacity to create something new. Sir? Yes? It's not being honest. Haan jai, but thank you very much. Thank you. Farak sirf ye hai ki it does not fulfill the criteria of an invention because it is unethical. It's unethical. It's not noble. It does not matter. You are creative already. बट सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, और अब हमने देखना है कि डायरेक्शन चेंज कैसे की जा सकती है, एंड हाउ कैन यू कैन नाउ यूज दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी टू बिकम एक्चुअल इन्वेंटर्स मूविंग ऑन फ्रॉम योर कैपेसिटी टू लाइफ विच इज अ वेरी एलिमेंट्री अ पुअर बट नॉट अ रिकमेंडेड फॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंग नॉट अ रिकमेंडेड फॉर्म बट यस यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। जो चीजें आपको इन्वेंशन के बारे में गलत पता है, आप समझते हैं सम ऑफ यू माइट थिंक लाइक, तो उनके लिए ये स्लाइड अब आप पढ़िए इसे, ये सही नहीं है बातें जो लिखी हुई है, ये स्लाइड पर लिखी हुई है लेकिन ये सब बातें इन्वेंशन के बारे में गलत है, ऐसे नहीं होता। अब और क्या ऐसे नहीं होता, ये जो लिखा हुआ एवरी प्रॉब्लम इज मेनी सोल्यूशन, there is one solution that's obvious but there are so many others. acha dekhi agar yahan bhunchal aa jaye arth ko ek aage khuda na khasta to yahan se bahar nikalne ke kitne raste hain jaldi se dekh ke batai diwar todge free diwar todke free aur koi tarika aur agar darwaza band ho to usko tod ke bahar nikal wo to fir darwaza hi hua जमीन में ड्रिल कर लिया और अंदर चले जाए किसी को क्या पता शायद नीचे कोई और तहखाना हो जिससे हम बाहर निकल लें। देखा जब हमने पहली दफा सोचा था तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आए, जब आपने और गौर से सोचा था आपको पता चला कि नहीं दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, देयर आर ऑलवेज मोर देन वन सॉल्यूशन बट यू वुड हैव टू थिंक हार्डर राइट। दिस इज अ मिथ, और ये वाले जो आंसर थे ना कि आपको पता नहीं किसको बताएं सारे आंसर, हू हैज फाउंड ऑल दीज आंसर्स ऑलरेडी, अम्मी जान अबू जान आपा जान दादा अबू इनके पास सब आंसर है चाहे हो या ना हो, आप कोई सवाल पूछे उसका जवाब उनसे ले। फिर जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही तो कहते हैं ऐसी फजूल बातें नहीं कर चुप सर, टीचर्स बातें नहीं सर, टीचर्स सुना होता है सर, टीचर्स कहती है, टीचर्स भी कहते हैं सर जी, जो ना कुछ करता है आप याद कर लें उनकी देर में मैं और बात कर लेता हूँ और करें। अच्छा ये भी एक मिथ है, अब ये जो तोता बनाया था इन्होंने या बना हुआ तोता इस्तेमाल किया था ये अब ये कॉम्प्लेक्स आइडिया लग रहा है, जो गद्दे निकले के
सकते हैं बहुत सिंपल सोल्यूशन, बहुत आसान सोल्यूशन उनकी चीज का, बट नोबडी हैड थॉट ऑफ इट बिफोर. सो डोंट थिंक दैट ऑल दीस फैंटास्टिक थिंग्स दैट आर डन इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली फैंटास्टिक. आप देखिए आजकल एक कॉन्सेप्ट है दैट वन ऑफ यू कैन कम अप विद एन ऐप फॉर अ मोबाइल एंड एप्पल इज गोइंग टू बाय इट आउट फ्रॉम यू एंड यू कैन बिकम अ मिलियनेयर इन नो टाइम. देयर आर सो मेनी मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड हु हैव जस्ट सोल्ड एन एप्लीकेशन टू एप्पल. सो बाय कमिंग अप विद दैट न्यू एप्लीकेशन, फैंटास्टिक. Somebody has created an application, somebody was telling me only yesterday, that जिससे कि आप हर वक्त feed कर सकते हैं कि कितनी calories चाहिए in a given day, आज कितनी चाहिए और कितनी मैंने consume कर ली. It can keep telling you that हर वक्त. आप सिर्फ feed करें food, उसकी quantity, कितनी calories उसमें है वो आपको बता दें. तो शाम को उस application पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आज आपने इतना ज़्यादा खाया. Now, nobody had thought of it before, but somebody did, and the person who has actually started this application is going up in dollars like this. The people are buying this. जिन-जिन लोगों को मोटा होने से बचने का शौक है और ये शौक सबको है, इसलिए उधर-उधर बिकती है. Only somebody had thought of it. अब ये कोई बहुत complex काम नहीं है, actually छोटा सा एक arithmetical solution है इसका. अगर आपको पता हो वो solution, तो फिर you can get into a whole world of new era. देखा? ये कोई ऐसी अनोखी और कॉम्प्लेक्स बात नहीं होती. कौन सी चीजें आपको क्रिएटिव नहीं होने देंगी, ब्लॉक्स लगाएंगी आपके अंदर, रोक देंगी आपको आगे बढ़ने से और क्रिएटिव होने. आप बताएंगे बेटा व्हाट इज दिस, ये जो आपको रोक देता है आगे बढ़ने से, सवाल करने से, क्रिएटिविटी से रोक देता है. What is it? हाँ मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब ग्रज रखना. Can can somebody? पहले से कहते हैं कि इसलिए बोला पहले से ही किसी चीज के बारे में जजमेंट देना प्री ज्यूडिस. ज्यूडिस समझते ना, ज्यूडिस मीन्स जजमेंट और प्री मीन्स पहले. पहले ही किसी चीज को जज कर लेना और कहना मुझे तो पहले ही पता था. ये कौन करता है सबसे ज्यादा? पहले ही कौन करता है सबसे ज्यादा? पहले सबसे ज्यादा आपने किसको देखा है प्रेजुडिस का मुजाहरा करते? कौन लोग कहते हैं, कभी कभी टीचर्स भी कहते हैं हमारा कुछ नहीं होने वाला, तुम तो गए भाई, तुम बस फेल होने. हाँ तुमने तो गए भाई, सब प्रेडिक्शंस है. लेकिन पहले से आप एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज. लेकिन इसी तरह से अगर आप किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में पहले से एक जजमेंट कायम कर ले बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए, तो ये प्रेजुडिस कहलाए. मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो शख्स बुरा होता है वो शख्स बहुत ज़हीन भी होता है. ये एक नहायत स्टूपिड परसेप्शन. बुरा होने के सारे इंटेलिजेंट होने का क्या ताल्लुक नहीं. लेकिन ये प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस. अगर हम देखेंगे किसी की आंखें नीली हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बंदा भी बहुत ज़बरदस्त है. सारी प्रेजुडिसेस हैं कि प्री जजमेंट से दे मे बी राइट बट दे मे बी कंप्लीटली रॉन्ग एज वेल. यू डू नॉट जंप टू कंक्लूजंस. साइंटिस्ट्स हु वांट टू इन्वेंट दे फ्री देमसेल्व्स ऑफ प्रेजुडिस. दे प्रेफर टू टेस्ट व्हाट इज कमिंग इनटू देयर माइंड एंड देन वुड बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली एंड मेक इन्वेंशंस इन लाइफ. ये देखा, ये जो गोरे वाली बात मैंने आपको कही, ये बोले तो सिर्फ जहीन होते ना, अंग्रेजी बोलते ना सारे, वहां तो बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता, तो वो फिर क्यों ना इन्वेंशन करते? वो अंग्रेजी से बोलते उनकी मदर टंग. ये कौन सा कमाल, अंग्रेजी बोलना कोई कमाल नहीं है, सोचना. इसके ऊपर कोई आदमी आपने से नहीं सोच रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि कैसी गंदी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब. आपको पता है कि पाकिस्तान में एनीमिया
एनीमिया पता है आपको क्या होता है? खून का कम होना। इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है? क्या नहीं बड़ी उन्हें नहीं बताया? अब पता है मलाप क्या होते हैं? मलाप पेट के कीड़े हैं। किसी को पता नहीं होता, ऐसे बस वो दर्द सा होता रहता है अंदर, दिल लूज मोशन में जाते हैं। पेट में कीड़े होना, पेट में कीड़े होने से ये होता है कि वो जो कीड़े हैं ना पेट में, वो आयरन खाते हैं। वो आयरन खाते रहते हैं, तो जब आयरन जिस्म में जाएगा नहीं तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो वो जो कैपेसिटी है ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने की ब्रेन को और बाकी सिस्टम्स को और ऑर्गन्स को, वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं बनती तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होती, तो इस स्टेट को एनीमिया कहते हैं। अब आप में से किसी ने आज तक ये तरीका नहीं निकाला कि कैसे पता किया जा सकता है, ऐसा मेथड निकालें कि बगैर स्टूल्स को टेस्ट किए हुए या स्टूल्स के ऊपर फीसिस के ऊपर आप ऐसे टेस्ट बनाएं कि जिससे ऐसे पता चल जाए कि इस बच्चे को या इस बड़े को कीड़े, या ऐसी इंटरवेंशन निकाली जाए कि जिससे वो कीड़े हो ही ना पेट। लेकिन आपके लिए कैसे फिर वही गंदी बातें हुई ना सर? हाँ, मतलब ऐसी कोई दवाई हो कि मुंह के बगैर पेट में चली जाए। देखे जी मैंने बंदे मार दिया, अब कीड़े तो जिंदा रह नहीं सकते, पैरासाइट है। अब देखे खुद को खुद कीड़े मर जाएंगे। ये इन्वेंशन के जुमरे में नहीं आएगा। दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा ये भी होता है, अगर कीड़े मारने की दवाई से अगर ये क्रिएटिविटी इन्वेंशन हो सकता है तो इंसान मारने की दवाई से नहीं हो सकता? इंसान मारने की दवाई से होगा, लेकिन फिर वो वही वाली बात हो जाएगी ना कि वो नोबल बात नहीं होगी। क्योंकि जो जितने भी हम इन्वेंशन करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इंसानों को कोई फायदा पहुंचे, ठीक है ना? अगर आप एक इस तरह की कोई दवाई बनाएंगे जिससे इंसान खत्म हो जाए सारे के सारे, तो फिर आपको तालियां बजा मारे सारे, आपने खत्म कर दिए खुद पीली दवाई, फिर फ्रैंकेनस्टाइन हो जाएंगे, मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लेंगे आप। ओके, सो ये भी होता है कि कहीं जो मैं कर रहा हूँ वो गुनाह तो नहीं है? याद रखिए कोई भी चीज जो इंसान की फलाह के लिए आप कर रहे हैं गुनाह नहीं। याद बेसिकली आप इस रिलीजन के मानने वाले हैं, जो आप जिंदगी में जिस तरह से सोचते हैं उसमें कभी भी इंसान की फलाह को कमतर नहीं रखा, सबसे ऊपर और अफजल रखा है इंसान की फलाह, तो वो गुनाह नहीं हो सकता अगर आपने उस चीज़ से इंसानियत को फायदा पहुंचा। इस कॉन्सेप्ट से भी बाहर निकले। और ये भी हम कहते हैं मुझे क्या पता अल्लाह मियां को पता होगा, ये अल्लाह मियां को डेफिनेटली पता है, लेकिन उसने आपको भी तो अकल दी है। अगर आप कुरान पाक रेगुलरली पढ़ें तो उसमें सबसे ज्यादा जो बात कही जाती है बार बार, वो ये है कि ऐ मेरे पढ़ने वाले, ऐ मेरे बंदे, तहकीक कर, ट्राई एंड फाइंड आउट। जो मैंने तुम्हें बातें बताई इससे बहुत सारे राज हैं। अब वो चाहता तो आगे वो सारे राजों की लिस्ट दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने चाहा कि आप डिस्कवर करें वो राज। तो ये जवाब नहीं होता साइंटिस्ट का, कहता हूँ वो तो है लेकिन मुझे डिस्कवर करना है क्योंकि मुझे अकल दी हुई है। ये ज़हन में रखिएगा, ये सारे ब्लॉक्स हैं जिनसे आपने आगे मूव करना है। आगे बढ़ना फिर दो कदम पीछे हो जाना, एक कदम आगे दो कदम पीछे, तो यू एंड अप नोवेयर। दिस एम्बिवेलेंस, दिस कैपेसिटी की कभी हाँ कभी ना, ये कैपेसिटी भी इंसान को पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है, हर चीज के सॉल्यूशंस ढूंढते हुए जब आपके अंदर पता है ना ह्यूमिलिटी क्या होती है, क्या होती है आप बताइए?
शर्म आए अपने आप से, ऐसा क्या किया यार? हम्बल, हाँ ये क्या बात थी, आजजी, बहुत अच्छा लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, आज आज, यानी अगर आपने बहुत बड़ा भी काम किया है तो आपको भूख में ना आ जाए आप,